प्रभु पार्श्वनाथ का स्तोत्र है, सिरपुर पार्श्वनाथ स्तोत्र। ये आप लोगों को कैसा लग रहा है, कठिन की सरल? कठिन तो है ये तो मैं जानना चाह रहा था। मुझे ये अच्छी तरीके से पता है कि आपको कठिन जरूर लग रहा होगा। यहाँ श्री पादम तवेश श्रीयति सपदि सा श्रीपुरम संश्रेतम् स्वामिन् पार्श्व प्रभो तत् प्रवचन वचनो दीप प्रदीप प्रभावैं लब्ध्वा मार्गं निरस्ताखिल विपद मतो यत्तदीशै सुदिवि वन्द्यास्तुत्यो महांस्त्वं विभुरसि जगता मेक एवाप्त नाथा। अन्येनाप्ता विरोधात् चुर्तिरपि न तता कोपयम् ययम् वेत्त युक्ति सम्यन्निर्णीति वादा प्रणीति विरहता कश्चिदेवास्ति वन्द्याम् न संदोषावृत्ति यत् कुचिदपि भजतो दृष्टहानि प्रकर्षात् निःशेषं हेमनि यदवन् मलमिति भवतो निष्कलंकत्व सिद्धि। कश्चिदा कश्चिद्वनाला नलादी सत्त्वं निर्दूत कर्मं क्षितिधर निभो दष्टने शेषु सत्त्वा न्याया वाद्यागमोर्हन् नसीं खलु भवता सहने कांत दृष्टि प्रत्यक्षाद्यैरवाद्या भवति न नियतई कांत युक्ति प्रभाड्या। क्या बात है, आप लोगों को आने लगा। तत्प्रत्यक्ष मेव प्रथियति तदनेकांतवाद प्रसिद्धि यदवा स्कंदस्य वर्णाद्यवकर निचतैकात्मना शात्प्रतीति अंतश्चित्तस्य सौख्या जनुमति मित चिदसंकीर्ण भावस्य दृष्टे सामान्यं विशेषो यदि न ही घटते नोनियान बिलश्लेष वृत्त्या तदनेकांतात्मकं यत् सदनुनयवशं सर्वमर्थक क्रियाकृत प्रमिति प्रव्याप्त रूपं स्फुट विषय स्फुट निजय निज विषया कार संवित्त वदवा अपिबा सिद्धं त्रिकालत्रय समय समय गतानंत पर्याय पुष्यत् परिणामे यत्तत् प्रतीतात्मनि हृत् नियतैकांत के अध्यक्ष सिद्धे सात्तादात्म मुपाश्रितै रदिगत रदिगतानंतैर्भविष्यद् भवद् भूतै सत्क्रम योगपत् विधिर्मित्याय पर्ययैर्वा गुणै संकीर्णांग मद्रवत द्रवति वा द्रोष्यति इत्यतो द्रव्यम द्रव्यमिमि मित्यै तद् धर्मणि धर्मिता तदपरेष्वेवं भवे एत प्रक्रिया। अब इस सातवां अपना चलना है। नस यत्तिव युत पितसु तद ताद भवति ताद भवति नसन वत स्थासनु सम्य सम संपदेत
संपदेते वा स्थास्यत स्थास्यत युत्पत पतश्यते सा स्थिति रसकृदलम रसकृदलम नयं छयति स्थास्यति तत्थम स्थास्यति थम नच्छयतो नच्छयति युत्पत्तेष्यते नंच्छय छियत युत्पत्तेष्यते तन्नसनमपि तथोपपत्यस्यते स्थास्यते यन् नक्षं नक्षं यत्युत्पत्ति रेवं त्रिविधमिति भवेत तत्तो मरहन् तवेष्टम् मरहन महेंद्र नहीं है, वो गड़बड़ हो गया है उसमें, मरहन कर लो, थोड़ा बच्चों से गलती हो जाती है, वो क्या है कंप्यूटर में फॉन्ट चेंज करे हैं तो इसलिए वो गड़बड़ हो जाता है। चलो नसयत युत पत्पित सु नसयत युप युत पित सु आप लोग जरा धैर्य से पढ़ेंगे बिल्कुल सब आएगा। ताद भवती नसनवत स्थासनु संपद्यते वा, एक बार फिर से इसी लाइन को क्योंकि मामला जरा कठिन है। नस यत युत पित सु नस यत युत पितसु ताद भवती नसनवत स्थास्नु संपद्यते वा स्थास्यत युत पत्यस्यते सा स्थिति रसकृदलम रसकृदलम नंचयति स्थास्यति थम इति यति थम यति थम यति थम स्थास्यति थम नंचयति युत्पत्यस्यते तन्नसनमपि ततोत्पत्यस्यते स्थास्यते यन् नञ्छय छयत युत्पत्तिरेवं त्रिविधमिति भवेत तत्त्वमर्हन् तवेष्टम्। एक बार और, मामला कठिन है ना थोड़ा सा। हाँ, नस यत युत पत्पित सु ताद भवति नसनवत स्थासनु संपद्यते वा स्थास्यत युत पत्यस्यते सास्थिति रसकृदलम नंचयति स्थास्यति थम यति थम नंचयत युत पत्यस्यते तन्नसनमपि
तथोत्पश्यति स्थास्यति या यन यन नंचयत युत्पत्तिरेवम् त्रिविधमिति भवेद् तत्त्वं तत्त्वमर्हन्तवेष्टम् भवेत् तत्त्वमर्हन्तवेष्टम् तवेष्टम्। ये आचार्य विद्यानंद जी महाराज जी ने पार्श्वनाथ श्रीपुर पार्श्वनाथ स्तोत्र लिखा है। अब जिसका आप लोग ये समझ लेना कि उच्चारण ही कितना कठिन है, लेकिन इसकी जब संधि विच्छेद करेंगे तो सब अपने पास सब आ जाएगा। क्या है संधि विच्छेद में? तव माने हे पार्श्वनाथ भगवान आप के द्वारा प्रतिपादित, अरहन तव हे अरहंत भगवान आपके तत्व इष्टम इष्ट पदार्थ तत्व क्या होगा? त्रिविधम इति तीन प्रकार से उत्पाद व्यय ध्रुव तीन रूप है। अब जरा ध्यान देंगे, ये विश्लेषण अपने लिए बहुत समझने का है क्योंकि अपन लोगों ने तत्वा सूत्र का एक सूत्र पढ़ लिया है, वह है उत्पाद व्यय ध्रुव उत्तम सत्य, लेकिन इसका विश्लेषण क्या है? आचार्य श्री ने इतनी बड़ी बात एक छंद में बांध दी, यद्यपि ये बड़े छंद कहलाते हैं, इस श्रगधरा छंद कहलाते हैं, काफी बड़ा छंद होता है, होते तो इसमें चार ही चरण है लेकिन दो यति होते इसमें, और दो यति होने से ये श्रगधरा छंद में आचार्य श्री कहते हैं कि तीन चीजें होती हैं किसी भी पदार्थ में, उत्पाद व्यय और ध्रुव। अब वो कहते हैं कि उत्पत्ति सुभवति, उत्पन्न होने वाला जो होता है वही नष्ट होता है, जिसमें क्या है उत्पत्ति होना है वही नष्ट होगा, बिना नष्ट हुए उत्पत्ति हो नहीं सकती है, बीज के नष्ट हुए बिना अंकुर नहीं होगा, कपड़ा को काटे बिना शर्ट नहीं बनेगी। अच्छा महंगे वाला कपड़ा ले जाओ आप, पहले क्या करेगा? नाप तोल करके कपड़ा काटेगा, अरे यार हमारा इतना अच्छा कपड़ा क्यों काट रहे हो? भैया नहीं कटवाना तो ले जाओ अपना, सिलाई तो जब होगी जब वो कटेगा, तभी तो उत्पत्ति होगी उसमें शर्ट की। तो एक ध्यान रखना, अपने हमारे और आपके सामने की बात है कि जिस तीन चीजें हैं, हे पार्श्वनाथ भगवान आपके द्वारा प्रतिपादित इष्ट पदार्थ तीन रूप में है, त्रिविधम इति। देखो त्रिविधम इति कहाँ लिखा है? नीचे की लाइन में लिखा ना, त्रिविधम इति माने उत्पाद व्यय ध्रुव युक्त, ये तीन विधि कहलाती है, तीन रूप से है। भवेत माने होते हैं, क्योंकि यत क्योंकि जो पदार्थ हैं वो उत्पत्ति सुभवति, उत्पन्न होने वाला होता है, जो उत्पन्न होने वाला जो पदार्थ उत्पन्न होने वाला होता है उसी पदार्थ का नाश होता है, वही पदार्थ नष्ट होता है, जिसमें उत्पत्ति पर्याय उत्पन्न होती है। एक पर्याय दूध, अगर दही उत्पन्न होगा तो मेरे प्यारे बच्चे सिद्धार्थ दूध नष्ट जरूर होगा, बिना दूध नष्ट हुए दही उत्पन्न नहीं हो सकता है। अब समझ लो आप, मिठाई बनेगी तो शक्कर तो खत्म होगी, इस महीने में क्या कर दिया तुमने पूनम, इतनी सारी शक्कर खत्म कर दी, घर में लड़ाई इसी बात से होती ना मनोज, हम कितनी सारी शक्कर ला ला के परेशान हो गए, कितनी बार तुम्हारा ने दे में, कौन कहता है? डॉक्टर साहब। लेकिन तो फिर वो कहती मैंने खा ली का पूरी शक्कर, ये भाषा चलती है अपने बुंदेलखंड में, बोले तेल खत्म होगा तो कम, इतने जल्दी होगा तेल खत्म तो कम मैंने पी लूंगा ये अपने घर की भाषा है,
हर कोई को बताते नहीं है, लेकिन एक ध्यान रखना, जब तक तेल नष्ट नहीं होगा, दूध नष्ट नहीं होगा, दही पैदा नहीं होगा, तेल नष्ट नहीं होगा, तब तक समोसा नहीं बनेंगे। और इसी तरीके से आप लोग इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना, जहां उत्पत्ति वहां नाश जरूर होता है, बिना नाश की उत्पत्ति होने वाली। तो ये जो जो पदार्थ उत्पन्न होता है, होने वाला होता है, वही नष्ट होता है, और नाशवान पदार्थ नसनवत, अब शब्द क्या आया, नसनवत, जो नष्ट और नष्ट होने वाला है वही स्थिति को प्राप्त करता है। जो नष्ट होने वाला है वही स्थिति को है, क्योंकि उत्पाद वे जिस आधार पर हो रहा है वो स्थिर भी है। अब स्थिर क्या चीज है, तो एक उदाहरण बड़ा अच्छा आप्त मीमांसा में दिया गया, मैंने उस पर एक कहानी लिखी, हंसता निर्मल रोती निर्मला, एक छोटी सी कहानी लिखी थी। एक सेठ समरथमल जी थे, और वो हर साल विधान कराया करते थे दिल्ली में। उनका एक बालक था जिसका नाम निर्मल था, और एक बालिका थी जिसका नाम निर्मला था। तो उनके यहाँ एक कलश था, जब भी विधान होता वो हर साल हर अष्टानिका में विधान कराते सेठ जी, और उनके यहाँ सोने का एक कलश था, बहुत बड़ा हंडा हड़ा, जैसे अभी हड़ा का आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक पत्रिका में आया था, हड़ा एक गांव है, तो हड़ा गांव कैसे बन गया, क्योंकि उस गांव में हड़ा आया था, तामे वाला सबसे बड़ा उनके तिवारी जी थे, उनके यहाँ था ओंकार तिवारी, उनके हड़ा था, इसलिए उस गांव का नाम हड़ा पड़ गया। उनकी खेती थी वहाँ बहुत बड़ी, खेती करते करते वहाँ गाँव बस गया, उस गाँव का नाम क्या हो गया, हड़ा। तो इसी तरीके से उनके यहाँ एक कलश था, और वो कलश लेकर के उनकी निर्मला घट यात्रा में चला करती थी, वो सोने का था। अब निर्मल को हमेशा एक कंप्लेंट रहती थी, एक उलायना रहता था कि मेरे लिए मुकुट चाहिए सोने का, हम सोने का मुकुट लगाएंगे ये नहीं लगाएंगे वाले चांदी मांदी के। तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा अपन बनवा देंगे। एक दिन जिद बहुत पकड़ गया निर्मल, तो उन्होंने राम प्रसाद से कहा, अपने नौकर से समरथमल जी ने, कि जाओ भैया वो उठा लाओ हड़ा, देखें क्या हो सकता है उसमें। तो वो सोने का कलश लेने गया, इतने में उसे लगा ओपट्टा और वो गिर गया, और गिरते वो कलश टूट गया, सोने का कलश चपटा पड़ गया। अब जैसे ही कलश चपटे आ गया, कलश क्या हो गया, चपटे आ गया, तो निर्मल हंसने लगा, और निर्मला को पता लगा कि मेरा कलश चपटा हो गया, तो वो रोने लगी, और समरथमल सेठ जी ने हंस रहे न रो रहे, तो बताओ अब क्या है, किसकी दृष्टि कैसी है। तो इसमें दृष्टि ये है, इसमें दृष्टि ये है कि निर्मल की दृष्टि मुकुट पर थी, एक पर्याय पर, निर्मला की दृष्टि कलश पर थी। मुकुट की उत्पत्ति जब हो जब कलश नष्ट हो, और समृद्धमल की दृष्टि सोने पर थी। कलश नष्ट हो गया तो भी सोना उतना ही का उतना ही है, सोना स्थिर है। मुकुट बन जाए तो सोना ज्यों का त्यों रहेगा, तो नाश होने पर भी स्थिरता रहती, जिसका नाश होता उसकी ही स्थिरता होती है, और जिसका उत्पाद होता है उसका नाश होता है, जिसका नाश होता है उसमें स्थिरता रहती है, उसी की स्थिरता रहती है। ये विज्ञान है, ये साइंस है, जैन दर्शन का, स्यादवाद का, वस्तु तत्व बताने का। और फिर वो कहते हैं अब जिसका नाश होता है उसकी उत्पत्ति होती है उसमें से, और जिसमें उत्पत्ति होती है उसकी स्थिरता रहती है, और जिसकी स्थिरता रहती है, तीन बातें, जिसकी स्थिरता रहती है उसका नाश होता है और उसी की उत्पत्ति होती है। सोने में से ही
बाजूबंद निकलना है, सोने में से ही बाजूबंद निकलना है और सोने की अंगूठी नष्ट होना है या सोने का हार नष्ट होना है। तो सोने जिसका नाश हो रहा है, जिसमें से जो उत्पन्न हो रहे, उसमें स्थिरता से ही किसी की उत्पत्ति है और स्थिरता से ही किसी का नाश है। ये विज्ञान आचार्य विद्यानंद जी कहते हैं वही उत्पन्न होगा, नष्ट होगा, वही स्थित होगा। नष्ट नहीं होता है जिसकी स्थिति रहती है। इस प्रकार से उसकी स्थिति रहती है तो वो कहते हैं इस प्रकार से नहीं क्षयति, नाश नहीं होता है। तो क्या नहीं होता नाश? जिसकी उत्पत्ति होती है उसका ही नाश होता है, जिसका नाश होता है उसकी उत्पत्ति होती है, जिसमें उत्पत्ति नाश होता है उसमें स्थिरता रहती है। कल द्रव्य की बात बताई थी और आज उत्पाद व्यय की बात बताई, क्योंकि बिना उत्पाद व्यय के कोई भी स्थिरता नहीं हो सकती है। अब स्थिरता कहाँ है? जहां नाश है। उत्पत्ति कहाँ है? जहां स्थिरता है। स्थिरता से ही जो ध्रुव है उसी से ही कोई चीज उत्पन्न होगी। अब ध्रुव क्या है? दूध है? नहीं है, क्योंकि दूध का दही बन गया। दही जब नष्ट होगा, जब तक दही नहीं था तब तक दूध था, जब दूध नष्ट हुआ तो दही पैदा हो गया, और दूध और दही में गोरस जो का त्यों है। अब जैसे किसी ने व्रत ले लिया कि आज मैं दही खाऊंगा तो वो दूध नहीं खाएगा। जिसने क्या नियम ले लिया कि आज मैं सिर्फ दही खाऊंगा, पहले रसी बनती थी ना अपने यहां, रसी तो अभी भी चलती है, तो मैं पहले ये सोचता था जब बच्चा था व्रत में कि आज सिर्फ घी घी खाना है, आज सिर्फ दूध दूध पीना है क्योंकि दूध की रसी है। तो मैं पहले ऐसा समझता था, फिर जब मुझे पता लगा तो फिर समझा। तो क्या हुआ? दूध दही। अब जिसने दूध का व्रत ले लिया कि मैं आज दूध दूध ही पीऊंगा, वो दही नहीं खाएगा, और जिसने ले लिया व्रत की मैं गोरस पीऊंगा, वो दूध भी खाएगा दही भी खाएगा, क्योंकि उसने, और जिसने नियम ले लिया कि मैं गोरस ही नहीं खाऊंगा, वो न दूध पिएगा न दही खाएगा। तो दही के नष्ट होने पर ही घी पैदा होता है। दही जैसे जैसे बिलोलते जाते हैं, मक्खन निकलता जाता है, दही खत्म हो जाता है और क्या आ जाता है? मक्खन आ जाता है। मक्खन नष्ट होता, घी आ जाता है। गोरस तो ज्यों का त्यों है। एक हमारे जिनेंद्र जी है ना, लॉटरी वाले, संडे को आए थे, उन्होंने एक हमें संस्मरण सुनाया, सुना दूंगा। क्या हुआ? मुक्तागिरी की बात है, शौच को जा रहे थे आचार्य श्री, तो आचार्य श्री सिद्ध परमेष्टि का उदाहरण दे रहे थे कि जैसे दूध एक बार घी बन जाए तो फिर उसका दूध नहीं बन सकता है। बन सकता क्या? मैंने आचार्य श्री से, तो बोले आपने कहा आचार्य श्री से कि बन सकता है दूध, कैसे बन सकता? आचार्य श्री ने कहा बताओ कभी बन सकता है क्या घी का दूध? एक बार घी बन गया तो फिर दूध नहीं बन सकता। मैंने कहा आचार्य श्री बन सकता है, मैंने कहा घी का हलवा बनाओ और गैया को खिला दो, अब गैया दूध देगी तो कहाँ से दूध आ गया? उसी घी से ही तो दूध आ गया। तात्पर्य मेरे कहने का ये है कि कोई भी चीज मूल रूप से नष्ट नहीं होती है और कोई चीज मूल रूप से उत्पन्न नहीं होती है। जहां उत्पत्ति है वहीं नाश है, जहां नाश है वहीं उत्पत्ति है। एक ध्यान रखना। और स्थिरता में उत्पत्ति है,
स्थिर जब तक कोई चीज नहीं होगी तब तक उत्पत्ति नहीं होगी, और स्थिर जब तक कोई चीज नहीं होगी तब तक नष्ट नहीं होगी। तो स्थिर क्या है वो स्थिर ढूंढो, ये तुम्हारा विज्ञान है, ये तुम्हारा समाधान है, और स्थिरता ढूंढ लेने में ही तुम्हारा निदान है, यही वस्तु का विधान है। तो क्या है स्थिरता? तो स्थिरता को ढूंढने के लिए आपके लिए चाहिए क्या कि स्थिरता देखो, जहां आपने गोरस पर ध्यान दृष्टि दी वहां स्थिरता है। जिसने गोरस का त्याग कर दिया वो न दही खाएगा न दूध खाएगा। जिसने दूध का त्याग कर दिया है वो दही खाएगा। जिसने कहा मैं आज दही दही खाऊंगा, जिसने कह दिया कि मैं गोरस खाऊंगा, वो दही भी खा सकता है दूध भी खा सकता है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि हमारे आचार्यों ने हमें ये बोध दिया, समझ दी, और ऐसी समझ दे दी कि वस्तु स्वरूप को जो समझ लेता है उसके राग द्वेष सब खत्म हो जाते हैं, राग द्वेष बचते ही नहीं है। क्योंकि जिसने ये समझ लिया कि मूल तत्व कभी नष्ट नहीं होता है तो मृत्यु किसकी होती है? आत्मा की। ध्रुव तत्व कभी नष्ट नहीं होता है, उसकी मृत्यु नहीं होगी। जो नष्ट हुआ है, मनुष्य पना नष्ट हो गया है, देव पना हुआ पर तुरंत पैदा हो गया है, और जीव आत्मा ज्यो का त्यों है। तो इसलिए अपन समाधि की भावना कब आ जाती है? तो तुमरे जिए कौन दुख है मृत्यु महोत्सव हारी। अरे तुम मृत्यु को जानते नहीं, मृत्यु क्या है? अगर मृत्यु तो बड़ी उपकारी है, ऐसा साहूकार है कि जो पुराना लेकर के आपको नया दे देता है। पुराना शरीर मृत्यु ले लेती है और नया शरीर दे देती है। मृत्यु नहीं हुई तो बिना मरे स्वर्ग मिल जाएगा क्या सतीश? बिना मरे स्वर्ग मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। इसीलिए लिखा है स्थिति जनन निरोध रूप मैं इष्ट तत्व प्रभु तुम कहते, जो होता उत्पन्न उसी का नाश प्रभ पार्श प्रभु नित कहते, जन्म नाश होता उसका ही जिसकी स्थिति है निश्चित। जिसकी स्थिति सदा रहेगी उसका नाश जन्म निश्चित, जिसका नाश जन्म भी उसका उसकी तो होती स्थिरता। द्रव स्वरूप पार्श्व जिन कहते अतः आप में जिनवरता। भगवान में जिनवरता इसलिए है कि ऐसा वस्तु का स्वरूप उन्होंने कहा है। ये आज का हमारा विषय हो गया। अब कल फिर हम मिलेंगे। विषय श्लोक कठिन जरूर है, परंतु अपन ने नरियल फोड़ लिया है। जब नरियल फोड़ लिया है तब खाने का मजा लेंगे। इसलिए नरियल क्या फोड़ लिया अपन ने, उसका अर्थ कर लिया है, और एक एक शब्द का अलग अलग अर्थ हो जाने से और पद्य अर्थ भी पूर्ण हो गया है। अब तो अपन को बैठ करके बलियत थाली सजा करके खाना है। खाओ। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य कुंद कुंद गुरुदेव की जय। आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर मुनि महाराज की जय। मुनि श्री कुंतू सागर महाराज की जय। जा, जा।